न्यूजीलैंड देश की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या साल 2024 में कितनी है? दोस्तों, न्यूजीलैंड देश प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक खूबसूरत देश है। यह दो द्वीपों से बना है, जिसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है। जहाँ न्यूजीलैंड के 52 लाख आबादी में से लगभग 32 लाख लोग उत्तरी द्वीप में रहते हैं, बाकी के 10 लाख लोगों की आबादी दक्षिणी द्वीप में रहती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में भारतीयों की आबादी करीब 2.5 लाख से अधिक है, जिसमें 27% ऐसे भारतीय हैं जिनका जन्म न्यूजीलैंड में ही हुआ था और वही पले बड़े हैं, और तो और 13% ऐसे भारतीय हैं जो करीब 20 साल से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 22% हिस्सा विदेशों से आकर बसे हुए लोगों का है, और न्यूजीलैंड का आधिकारिक नागरिक बनने के लिए आपको इमिग्रेशन कमेटी के सामने न्यूजीलैंड का राष्ट्रगान गाना होता है, जिसके बाद आपको इस देश की नागरिकता मिल जाती है। जबकि दोस्तों, आज दुनिया में न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी नाम से पुकारा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को यह नाम इस देश पर पाए जाने वाले कीवी नाम के पक्षी से मिला है, जो सिर्फ न्यूजीलैंड देश में ही पाया जाता है। दोस्तों, कैप्टन जेम्स कुक नाम के ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक कप्तान ने वेस्ट न्यूजीलैंड की खोज की थी, जहाँ माओरी लोग न्यूजीलैंड के सबसे पुराने निवासी हैं। माओरी लोगों के संदर्भ में माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने न्यूजीलैंड को बसाया था। आज से 800 साल पहले तक न्यूजीलैंड के बारे में माओरी लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। जबकि दोस्तों, आज हम सब न्यूजीलैंड को क्रिकेट के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच हर साल काफ़ी क्रिकेट खेला जाता है, और अपने भारत की सबसे बड़ी लीग IPL में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का बोलबाला दिखाई देता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर वेलिंगटन है। यह शहर न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत शहर है, और न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल 2,58,710 वर्ग किलोमीटर है। जबकि कुछ वेबसाइट के मुताबिक न्यूजीलैंड के साल 2024 में कुल जनसंख्या 52,57,800 इतनी है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि न्यूजीलैंड का नेशनल हॉलीडे हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन यहां पर इंग्लिश और माओरी भाषा का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर अपनी ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में 50 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला किया एक दिलचस्प पक्षी है, जिसे पहाड़ों का जोकर भी कहा जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा तोता है जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ये अक्सर पर्यटकों के बैग से खाना चुराना और कारों के टायर फाड़ने के लिए माहिर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा भी देश है जिसकी धरती पर एक भी सांप की प्रजाति नहीं पाई जाती। यहाँ की धरती सांपों के लिए पोषक नहीं है। जबकि न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली ब्लू लेक दुनिया की सबसे बड़ी पानी की झील है, जिसकी 85 मीटर की गहराई तक अपनी आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में कागज के पैसों का बहुत कम उपयोग किया जाता है, और ज्यादातर लोग सामान खरीदने के लिए पूरी तरह से क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। न्यूजीलैंड की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि, मछली पकड़ना, वानिकी उत्पादों और पौधों सहित और अन्य देशों के विभिन्न प्रकार के सामानों के निर्यात पर निर्भर है। अब दोस्तों, बात करते हैं न्यूजीलैंड की मुस्लिम आबादी और वहाँ के मस्जिदों की संख्या के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन के घंटी को भी जरूर दबाएगा, ताकि ऐसे जानकारी वाली वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों, कुछ वेबसाइट के मुताबिक ली गई जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या 52,57,800 इतनी है। जहाँ पर न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जहाँ पर ईसाई धर्म की आबादी 30,31,900 इतनी है, जो न्यूजीलैंड का 57.65% आता है। जबकि न्यूजीलैंड में हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म आता है, जहाँ पर हिंदू धर्म की आबादी 1,39,600 इतनी है, जो न्यूजीलैंड का 2.65% आता है। जबकि मुस्लिम आबादी 68,800 इतनी है, जो न्यूजीलैंड का 1.3% आता है। और दोस्तों, न्यूजीलैंड में नास्तिक लोगों की कुल आबादी 19,24,700 इतनी है, जो न्यूजीलैंड का 37.6% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, न्यूजीलैंड में मुस्लिम धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब दोस्तों, बात करते हैं न्यूजीलैंड की मस्जिदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, न्यूजीलैंड के मस्जिदों की संख्या का कोई भी आधिकारिक डाटा पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम कुछ वेबसाइट के मुताबिक न्यूजीलैंड की जनसंख्या के आधार पर वहाँ के मस्जिदों की संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, न्यूजीलैंड के 68,800 मुस्लिम आबादी के लिए न्यूजीलैंड में 150 से अधिक मस्जिद हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में न्यूजीलैंड के साल 2024 की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, क्रिकेट जगत में दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर टीम कौन सी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या कोई अन्य टीम? उस टीम का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।